नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, कुछ युवकों से मिली AK-47, तीन विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई है, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। विदेशों से हो रही थी हथियारों की सप्लाई, इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आपको हम बता रहे हैं। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। विदेशों से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए, तीन विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई है, आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपको बताते चले, कुछ युवकों से AK-47 भी मिली है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, कुछ युवकों से मिली AK-47, तीन विदेशी पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जहां पर चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ युवकों से AK-47 बरामद की गई है, तीन विदेशी पिस्तौल भी बरामद किए गए हैं, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है, चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, विदेशों से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस से और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं सोनीपत के रहने वाले, उनमें से वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है उनका, वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, टेररिस्ट हैं, गुरजन सिंह जंटा, हरजिंदर सिंह नीजर, उसके बाद लखवीर सिंह रोड और अर्शदीप सिंह डाला, इनके टच में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो पंजाब में और बाकी जगहों पर टारगेटिंग किलिंग्स करवाने के लिए और एक टेरर का माहौल बनवाने के लिए इन लोगों को यूज कर रहे हैं मर्डर्स करवाने के लिए। तो इसी, और इन्होंने पंजाब में कुछ वारदातों को अंजाम भी ऑलरेडी दिया जा चुका है और कुछ वारदातों को अंजाम दिया जाना बकाया है। और इसी संदर्भ में हमारी CIA की और क्राइम की टीम्स ने काम करते हुए आज तीन लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनसे हमें एक AK-47 जिसके टोटल 49 राउंड्स मिले हैं और एक बरेटा US मेड वेपन मिला है और दो अलग ग्लॉक पिस्टल्स उनसे बरामद हुई हैं। तो इन अपराधियों के नाम हैं, जो मेन इनका किंग पिन है वो है सागर एलियास बिन्नी, जो कि जुआ गांव का रहने वाला है। सागर उर्फ बिन्नी जुआ गांव PS मोहाना का रहने वाला है। इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, इसने इससे पहले 307 और आर्म्स एक्ट की वारदातों को अंजाम दे रखा है, और ये पास्ट में रविंदर पुख्तला जो गैंगस्टर जिसका इनकाउंटर हुआ था उसका साथी भी रहा है और उसके साथ भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा इसी के गांव के दो अन्य लड़के सुनील उर्फ पहलवान और जतिन उर्फ राजेश, जो जुआ गांव के ही रहने वाले हैं, इसके साथ थे। तो पुलिस ने खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े तीन बदमाशों को गिरफ्तार हुआ किया गया है। AK-47 सहित कई हथियार भी बरामद हुए हैं। सोनीपत से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी यहां पर की गई है। चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, आतंकी साजिश का पर्दाफाश यहां पर हुआ है, कुछ युवकों से AK-47 भी बरामद की गई है, तीन विदेशी पिस्तौल भी बरामद यहां पर की गई है, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए, विदेशों से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, तो यहां पर विदेशों से फंडिंग की जा रही थी, वहीं से हथियारों की सप्लाई की जाती थी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, आपका रुख करूंगी, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिस तरीके से चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिला सोनीपत NCR दिल्ली के नजदीक है और यूपी के नजदीक है और पंजाब में चुनाव है। चुनाव के दौरान जो है वो टीम गठित की गई है और जिला सोनीपत को काफी बड़ी एक कामयाबी मिली है, जिसको लेकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जो कि आतंकवादियों से संगठन था जिनका मजबूती थी और उनके पास हथियार भी मिले हैं, जिंदा कारतूस भी मिले हैं। जो अभी तक पुलिस ने खुलासा किया है, यही बताया गया है कि इनकी जो चुनावी जो है वो चुनाव को बिगाड़ने के लिए ये 3 लोग जो है सक्रिय थे और इसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो पुलिस प्रशासन ने टीम गठित कर दी गई है और लगातार हर पहलू पर जाने का प्रयास है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक होना, जिला सोनीपत में 3 आतंकवादियों से जुड़े हुए व्यक्ति मिलना काफी बड़ी बात है और जिला सोनीपत को सबसे बड़ी आज कामयाबी यह हुई है। हर तरीके के पहलू पर जाने का प्रयास है और हर तरीके की जो टीमें हैं उन्होंने काफी प्रयास किया तब इस कामयाबी को हासिल किया है। और लगातार सृष्टि बता दें कि 3 NCR जो दिल्ली, यूपी और हरियाणा और सोनीपत सबसे नजदीक होना, तो 3 चीजों को जोड़ना काफी जो गहनता की बातें सामने आ रही है। जी सृष्टि, बिल्कुल लाजपत, देखिए आप, एक तरफ पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं और चुनावी माहौल को जिस तरीके से बिगाड़ने की यहाँ पर साजिश रची जा रही थी, जो कामयाबी यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर चुनावी माहौल को बिगाड़ने की यहाँ पर उनकी जो कामयाबी थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर धराशायी हो चुकी है, क्योंकि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या क्या चीजें बरामद की गई हैं इन 3 लोगों से? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव जो है वो यूपी में भी पंजाब में भी 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर प्रशासन जो है किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, तो इसलिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों से अभी प्रशासन गहनता से बात कर रहा है, क्योंकि अभी SP ने सिर्फ यही बात खुली है कि इनसे अभी तक और भी जो बातें खुलवानी है, क्योंकि कितने लोग जुड़े हो सकते हैं। अभी तक इनके पास जो है हथियार मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं और अभी जो है इनसे जो कड़ी कितनी जुड़ी हुई है ये अभी SP जो है सोनीपत ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभी तक गहनता की मैं बात यही सामने आई है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं इनसे और भी बड़े मामले खुलकर आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और यूपी और हरियाणा 3 स्टेट सोनीपत से जुड़ती है और यूपी में भी चुनाव है, लेकिन अभी तक जो है हरियाणा पुलिस का यही खुलासा हुआ है कि पंजाब से इनके कहीं ना कहीं संगठन जुड़ा हुआ था, क्योंकि पंजाब में जो चुनाव है उनको कहीं ना कहीं जो बिगाड़ने की जो सामने बात आ रही थी और जो अभी इसमें जो करीब 5 से 6 टीमें अभी जो है वो लगातार इस पर काम कर रही है, खुफिया विभाग इस पर काम कर रहा है, अभी जो है काफी बड़ी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में यहाँ पर हथियार बरामद हुए हैं, कि 47 बरामद होती है, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, तो कहीं ना कहीं 3 लोग मिलकर के पूरा काम तो नहीं कर रहे होंगे, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इनके तार बहुत जगह से जुड़े होंगे, तो क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए सृष्टि, मैंने जैसे आपको बताया कि काफी टीमें जो हैं वो अभी काम कर रही हैं, अभी 3 जो लोग हैं वो हिरासत में आए हैं और इनसे पूछताछ गहनता से जांच है और लगातार पहलू हर पहलू पर जाने का प्रयास है, क्योंकि आपको बता दें कि 3 लोग नहीं, इनसे काफी कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी पर कड़ी जुड़ने के बाद जो लगातार इनसे पूछताछ कर ही कोई बात जो है जल्दबाजी होगी कि कोई खुलासा करें, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं प्रशासन जो है वो गुप्त रखकर अपना काम करती है और लगातार जो प्रशासन फिर स्टेप बाय स्टेप बातों को खोलते हैं। अभी जो है 3 लोग हिरासत में लिए हैं और सबसे बड़ी बात सृष्टि ये बता दे कि गांव के आतंक से जुड़े हुए व्यक्ति और 3 एक ही गांव के व्यक्ति काफी बड़ी बात हो सकती है, अभी इसमें जो है टीमें गठित कर दी गई हैं, हर पहलू तक जाने का प्रयास है। जी सृष्टि, बिल्कुल लाजपत, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इनको फंडिंग आती थी, क्या इसकी कोई जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस ने साफ किया है कि अभी इनकी जो फंडिंग थी वो कनाडा से और पाकिस्तान से थी, जिनसे जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो अभी जो स्टेप बाय स्टेप मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो स्टेप बाय स्टेप जो जोड़ने की बात प्रयास है, कनाडा की जरूर फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान से जरूर फंडिंग है और हथियार मिलना और जिंदा कारतूस मिलना तो ये काफी बड़ी बात है, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अभी जो खुलासा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं भाग ना जाएं, इसलिए हर विभाग की जो है टीम गठित कर दी गई है, वो कहीं ना कहीं पहलू तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सृष्टि, बिल्कुल लाजपत, और खालिस्तानी समर्थित आतंकी हैं ये, जिस तरीके से ये भी जानकारी मिल रही है, तो आने वाले समय में एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे, ये हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए खालिस्तानी का जो मामला है वो काफी बड़ा है
और पुलिस प्रशासन को काफी बड़ी कामयाबी मिली है, तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। तो अभी तक जो है यही बात सामने आई है कि इनको समय रहते जो हिरासत में ले लिया, वरना ये काफी बड़ा मामला हो सकता था। सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह भी है, जिला सोनीपत में ऐसी काफी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं जहां पर कोई ना कोई हादसा जरूर हो सकता था, क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, मामूली किराए के लिए लोगों को रख लेते हैं। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि ये जो तीनों लोग हैं ये गांव के तल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इनके तार जोड़े जाएंगे, क्योंकि जिला सोनीपत में पूरा भारत बसता है और सोनीपत ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर स्टेट का लोग यहाँ पर रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए रहते हैं। लेकिन उन लोगों की जरूर लापरवाही है जो आईडी प्रूफ नहीं देखते, उन आदमियों की जांच नहीं करते, उन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। कभी ना कभी कोई बड़ा जरूर हादसा हो सकता है। सृष्टि, आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और जिला सोनीपत यूपी के नजदीक होना, तीनों स्टेटों को जोड़ना और इस तरीके की जो तीन लोग थाना, हर पहलू तक जाने का प्रयास है। क्योंकि आपको बता दें सृष्टि, यहाँ पर जो है काफी बड़ा हब है और ये सोनीपत नहीं, इसको हम पूरा भारत कहेंगे। यहाँ पर हर भारत का, हर शहर का, हर जिले का, हर स्टेट का लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं। लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं जरूर टाइट होगा और इस पर हर पहलू पर जाने का प्रयास रहेगा। जी सृष्टि, बिल्कुल। लाजपत, मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहती हूँ, क्या किस गांव से ये लोग थे इसका कुछ पता चल पाया है और कहाँ के रहने वाले थे ये सब? जी बिल्कुल, ये जिला सोनीपत के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि गांव का जो है वो नाम शामिल करना ठीक नहीं होता, क्योंकि गांव में, गांव एक ऐसा गांव होता है जिसमें सभी लोग जो है सभी तरह के लोग रहते हैं। लेकिन इन तीनों लोगों पर जरूर सवाल निशान खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह का जब कोई व्यक्ति गांव को मिलता है गांव में, तो वो गांव को बदनाम करता है, शहर को बदनाम करता है, देश को बदनाम करता है, पूरे देश को बदनाम करना कहीं ना कहीं, और तीनों लोगों को हिरासत में लेना। अब जो है प्रशासन कड़ी जोड़ना प्रयास करेगी और इसमें कड़ी के बाद कड़ी जुड़ेगी और कहीं ना कहीं काफी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस दृष्टि, बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर ये लोग एक ही गांव के रहने वाले थे, तो कि अगर उनके दोस्तों से और उनके परिवार वालों से बातचीत की गई हो, उससे भी कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हर पहलू तक जाने का प्रयास होगा, क्योंकि तीनों लोग एक ही गांव के थे, कितने इनके साथी थे, कितने लोगों से इनके संपर्क थे। क्योंकि आपको बता दें, जब इतना बड़ा जो संगठन चलाते हैं और तीन लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं, और इनसे कितने पहलू जुड़े हो सकते हैं, कितने इनके साथी हो सकते हैं, इन पर हर तरीके से पहलू पर जो है एसपी सोनीपत की जो आदेश पर हर तरीके की टीम लगाई गई है। और क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि तीनों स्टेट यहाँ पर जुड़ती है और दिल्ली का नजदीक होना और जो सोनीपत एक हब ऐसा है जहाँ पर पूरे देश का जो है राज्य, यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आते हैं। आज उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जरूर डर दिख रहा है, क्योंकि तीनों लोग जो है वो आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। जी सृष्टि, बिल्कुल। लाजपत, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से हमने बताया कि पाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से इन्हें फंडिंग आ रही थी, तो जाहिर सी बात है ये संपर्क साधने की भी कोशिश करते होंगे, तो कैसे ये संपर्क साधने की कोशिश करते थे, कैसे बातचीत ये उन लोगों से करते थे? कनाडा से जो बातचीत होती थी ये फोन के जरिए होती थी, और जो सोशल जो फोन है वो उसमें काफी ऐसी ऐप होती है जिनसे बातचीत हो जाती है, लेकिन विभाग को नहीं पता लगता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सोनीपत की पुलिस की जो कहीं ना कहीं काफी बड़ी कामयाबी है और लगातार हर पहलू तक जाने का प्रयास है कनाडा जो है। और जानकारी मिल रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये संपर्क साधने की कोशिश करते थे, सोशल मीडिया से ही इन्हें जो संदेश आता था कि आपको अब क्या कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाकर रखनी होगी प्रशासन को, कि आने वाले समय में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया के ही जो दौरान इनकी, मैं वही बता रहा हूँ सृष्टि, सोशल मीडिया के दौरान ही इनकी बात होती थी। तीनों लोग जो है सोशल मीडिया पर ही कनाडा भी बात करते थे और पाकिस्तान भी बात करते थे। तीनों लोग जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा ना कर दे, इसलिए सोनीपत के प्रशासन ने काफी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, और जो सोशल मीडिया है उस पर भी कहीं ना कहीं अभी जो है प्रशासन लगा हुआ है, हर तार तक जाने का प्रयास है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं हर पहलू तक जाने का प्रयास है। और आपको बता दें कि जो पंजाब में चुनाव है उसको कहीं ना कहीं जो है उस पर खलल डालने के लिए ये तीनों लोगों का अभी तक बयान आया है। अभी जो है बीती रात है, सुबह भी कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। अभी जो है कितने लोग इसमें शामिल हैं ये जल्दबाजी होगी कि हम कोई खुलासा करें, क्योंकि प्रशासन के काफी काम ऐसे होते हैं जिनमें कानून के दायरे में काम करना होता है,
और हर पहलू तक जाने का प्रयास है। बिल्कुल लाजपत, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, चुनावी माहौल को यहाँ पर बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके खालिस्तानी संगठन से तार जुड़े बताए जा रहे हैं और इन सभी को पाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग हो रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से ये संपर्क साधने का प्रयास करते थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।